हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। जिस तरीके से आपको एडिशन सिखाया था वीबीए प्रोग्रामिंग की मदद से, वैसे ही हम आज मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। तो क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। वीबीए के थ्रू जो है प्रोग्रामिंग करी थी और एडिशन करवाया था, बिल्कुल वही प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एडिशन के लिए मैंने बनाया था। तो यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू इनपुट करता हूँ और यहाँ पर दूसरी वैल्यू इनपुट करता हूँ, चाहे वो पॉइंट वाली ही वैल्यू क्यों ना हो, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, ये ऐड हो गया। अब इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर शो करेगा, 72.8 आ रहा है आंसर, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये चीज जो है एडिशन करवाई गई थी, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्रिएट पे चलना है और क्रिएट पे चल के और एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं हम। तो ये फॉर्म डिजाइन पर आ गए हैं, ठीक है, और ये पुराने फॉर्म को क्लोज करते हैं। और यहां से हमें क्या क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने। तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस का बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये पहला टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। और फिर यहीं पर एक इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्यों ना कॉपी ही कर लिया जाए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करके देन पेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये दूसरा भी टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। तो इसी के ठीक नीचे इसको रख लेंगे और इसको थोड़ा सा हम दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके, और यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है लेआउट। तो लेआउट में आकर के इसे स्टैक्ड करेंगे, ताकि हम जब भी मूव करना चाहे तो हम इन दोनों दोनों ही को एक साथ ले सके, ठीक है। अब ये करने के बाद यहां पर हम इसे फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू ऐसे कर सकते हैं। आप चाहे फर्स्ट नंबर कर दीजिए, फर्स्ट वैल्यू कर दीजिए, तो यहां पर मैं फर्स्ट वैल्यू ही कर देता हूं। तो ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। देन इसी तरीके से अब हम सेकेंड वैल्यू करेंगे, ठीक है। यहां पर आएंगे तो चूंकि ये सेकेंड वैल्यू है, तो यहां पर कर देंगे SECONDE सेकेंड, और यहां पर कर देंगे वैल्यू। तो ये हो गया फर्स्ट वैल्यू और ये हो गया सेकंड वैल्यू। यहां पर आएंगे तो देखिए अनबाउंड पे आते हैं, तो यहां पर भी टेक्स्ट जीरो ही दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू कर देते हैं, FIRST फर्स्ट, और फिर देन यहां वैल्यू, तो यहां पे VALU कर देंगे, VALUE। तो ये हो गया फर्स्ट वैल्यू और यहां पे अब सेकंड वैल्यू, तो यहां पर भी कर देते हैं SECONDE सेकंड, और यहां पे वैल्यू कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और देन सेकेंड वैल्यू भी हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो इसको थोड़ा डार्क करने के लिए यहाँ पर जाकर के आप इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा डार्क हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब एक लेबल बनाना है, तो लेबल बनाने के लिए कहाँ चलेंगे, वापिस चलेंगे यहाँ पे फॉर्म डिजाइन पर, और देखिए यहाँ पर आपको लेबल मिल जाता है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये क्या है, ये लेबल है। तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पर एक बार छोटा सा ड्रैग करेंगे, और यहाँ पर इसके कैप्चर में आकर के इसका भी हम नाम चेंज करेंगे। तो एक बार और यहाँ पर मैं नाम क्या दे दूंगा, आंसर, ANSWER आंसर कर दिया इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हमने बना लिया है लेबल, और इसकी साइज छोटी रखी हमने इस तरीके से, और यहाँ पर लेवल 10 आ रहा है। तो इसको कुछ और कर देते हैं, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ MY आंसर कर देते हैं, और इसको हटा ही देते हैं, ये जो कैप्शन है ना इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखेगा, ये खाली रहेगा, देख रहे हैं अब ये खाली नजर आ रहा है। इसकी साइज चाहे तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये साइज बढ़ जाती है, ठीक है। काम है हमारा बटन बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर चल करके फॉर्म डिजाइन पर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये बटन। तो इस बटन पे जाना है, चूंकि हमें ये जो बटन आता है इसमें, इसमें जो ऑप्शंस आते हैं इस बटन पर क्लिक करने के बाद, तो इसको हमें लेना नहीं है, वीबीए के थ्रू ये बटन क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आकर के और फिर जो है मैनुअल बटन बनाएंगे। यहां से हमें नहीं जाना है, यानी वो जो बॉक्स ओपन हुआ था वहां से नहीं जाना है, ठीक है। वो वाले सेक्शन में आकर के यहाँ पर हम लिख देंगे CMD लिखेंगे, CMD कमांड, ठीक है। और CMD लिख करके यहाँ पर, चूंकि ये हमारा बटन है और ये क्या काम करेगा, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। CMD मल्टीप्लाई कर दिया है, देख सकते हैं ये। और यहाँ पर आकर के चूंकि कैप्शन है, तो कैप्शन में हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक्स दे देता हूँ, एक्स से ये पता चलेगा कि ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ही करना है। आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक्स ही दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x आ रहा है, यानी ये पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई ही यहाँ पर आपको करना है, इस वजह से ऐसा किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर कोडिंग का पोर्शन जो है वो हमें लाना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है, वीबीए वाली कोडिंग करनी है, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। यहाँ पर एक और हम बटन बना लेते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वल टू का भी बटन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे इसको रखता हूँ, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर CMD इक्वल टू कर देंगे, CMD इक्वल टू।
तो यहां पे लिखता हूं cmd और यहां पे कर देता हूं equal to, इस तरीके से equal to कर दिया, और equal to करने के बाद यहां पर आकर क्या, क्योंकि यहां पर x दिया है तो x तो चाहिए नहीं, यहां पे equal to रहना चाहिए, तो equal to कर दिया। तो देखिए यहां पर क्लिक करेंगे गुणा होगा और यहां पे equal to पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर नजर आएगा, तो इसलिए ये equal to का बटन बनाया, ठीक है। इसके बाद हमें ये जो मल्टीप्लाई वाला हमने बनाया है यहां पर जाकर के और फिर इवेंट में जाकर के और ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और थ्री डॉट्स पे क्लिक करके कोड बिल्डर पे जाना है। जैसे ही कोड बिल्डर पे जाते हैं तो ये इस तरीके से खुलता है। अब यहां पर क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है उसको समझ लीजिएगा, यहीं पर कोडिंग वाली बात है। समस्या ये है हमारे साथ कि यहां पर जो है हम चाहते हैं कि ये जो हमने यहां पे देखिए ये जो हमने बनाया है ना लेबल, ये लेबल में हम ये चाहते हैं कि जब भी हम क्लिक करें तो यहां पर ये मल्टीप्लाई यानी ये जो x बनाया हमने मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आता रहे, ठीक है। इसी वजह से यहां पर ये किया है, समझ में आ रही बात। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहां पे x लिखा है ना हमने, आप इसे चेंज करके यहां पर स्टार लिख सकते हैं यानी मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, क्योंकि प्लस लिखा था तो ये मल्टीप्लाई का साइन। अब क्योंकि यहां पर ये बन है इसके लिए मैं यहां पर कोडिंग करने जा रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई पे जाके और जैसा कि मैंने बताया था कि इवेंट पे जाके और फिर यहां से कोड बिल्डर पे जाना है तो ये ओपन होता है और यहीं पर अब कोडिंग वाला पोर्शन है हमारा। तो अब यहां पर मैं टाइप करूंगा मी डॉट और चूंकि मैंने बनाया था माय आंसर के नाम से तो माय आंसर यहां पर रखेंगे, माय आंसर, ये माय आंसर यहां पर आ गया और फिर आगे लिखेंगे माय आंसर के बाद भी हमें लिखना है तो यहां पे डॉट लिखेंगे कैप्शन और कैप्शन में हमने क्या दिया है, कैप्शन में हमने दिया है इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो डबल डॉट कॉमा में हमें मल्टीप्लाई का सिंबल लिखना होगा यानी मल्टीप्लाई के लिए अभी हमने चेंज किया स्टार लिखा तो यहां पे स्टार दे दिया हमने, देख सकते हैं इस तरीके से। तो सेव करते हैं कंट्रोल एस से, ठीक है, तो ये फॉर्म 4 के नाम से ही सेव कर देता हूं, तो ये सेव हो गया। अब जबकि हम यहां पर आएंगे यानी अपने इस पर आएंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं ना तो यहां पे देखिए ये प्लस बन रहा है, ठीक है, और सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई का साइन बन रहा है। और अगर मैं यहां पर देखिएगा यहां पर कोई टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूं और यहां पर जैसे ही टेक्स्ट लिखते हैं हम तो यहां पर टेक्स्ट भी लिख पा रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि हमें यह चाहिए कि हम सिर्फ नंबर ही लिख पाए तो यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग और करनी होगी। यहां पर हमें वापस से डिजाइन व्यू पे आना होगा कि ये ऐसा ना हो हमारे साथ, इसके लिए इन दोनों फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे, ये जो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू वाली है ना यहां पर जाकर के और फिर फॉर्मेट में आएंगे, ये जो फॉर्मेट है हमारा यहां पर आकर के और डेसिमल प्लेसेस दिया गया और यहां फॉर्मेट दिया गया है तो फॉर्मेट में हम इसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन चलिए हम जनरल भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम यहां पे स्टैंडर्ड कर देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड कर दिया और ये ऑटो रखा है तो डेसिमल प्लेसेस 2 कर देते हैं, इस बार 2 पॉइंट तक डेसिमल प्लेसेस ये ले लेगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा बहुत जबरदस्त है, क्या फायदा है, अभी आपने देखा यहां पर हम ऊपर जो है फर्स्ट वैल्यू में अल्फाबेट भी टाइप कर पा रहे थे, लेकिन अभी अगर मैं यहां पे जाता हूं और अल्फाबेट अगर मैं टाइप करने की कोशिश करता हूं तो ये कहेगा कि दिस इज नॉट वैलिड, लेकिन यही चीज अगर मैं नंबर टाइप करता हूं तो यहां पे ये नंबर जो है एक्सेप्ट करेगा, देखिए यहां पे नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाकी हमारा ये जो लेबल बनाया था लेबल भी काम कर रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये सब सेटिंग कर लेने के बाद हमें क्या करना है, वापस डिजाइन व्यू पे चलना है। डिजाइन व्यू पे कैसे जाएंगे, ये व्यू जो दिखाई दे रहा है यहां पर जाकर के आपको डिजाइन व्यू ये नजर आएगा, नीचे क्लिक कर दीजिएगा, आ गए डिजाइन व्यू पर। अब चूंकि हमको इक्वल टू वाली सेटिंग करनी है कि अगर हम बराबर पे क्लिक करें तो वहां पर हमारा आंसर आ जाना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई होके आ जाना चाहिए, सीधी बात है। तो यहां पर जो है हमें इवेंट पे जाना होगा और इवेंट पे जाके यहां थ्री डॉट्स पे क्लिक करके देन कोड बिल्डर पे आना होगा और यहां पर अब हमारी मेन कोडिंग होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो यहां पर आकर के आपको क्या करना है, कोडिंग करनी है। तो कोडिंग किस तरीके से होगी, तो यहां पर चूंकि हमने माय आंसर दिया था उसका नाम, ठीक है, लेबल का नाम हमने क्या दिया था, माय आंसर दिया था, लेकिन फिलहाल तो मैं यहां पे क्या करता हूं, फिलहाल यहां पर मैं करता हूं एक मैसेज बॉक्स बना लेता हूं, तो एमएसजी बॉक्स करते हैं बीओएक्स, ये हो गया मैसेज बॉक्स और यहां पर कर देता हूं आंसर इज, क्या लिखेंगे, आंसर इज ANSWER आंसर इज, ये कर दिया हमने इस तरीके से आंसर इज, ठीक है। आंसर इज करने के बाद ये चूंकि पर डबल इंटर कॉमा को क्लोज करना होगा, ये क्लोज कर दिया, फिर यहां पे लगाएंगे एंड का सिंबल, ये वाला एंड लगाना है आपको, ठीक है, और ये वाला एंड आपको मिल जाता है 7 नंबर बटन पे, तो यहां से एंड लगा लीजिएगा, फिर डबल इंटर कॉमा ओपन कीजिएगा, एक बार गैप दीजिएगा, फिर डबल इंटर कॉमा को क्लोज कीजिएगा, क्लोज करके फिर एंड लगाइएगा और अब यहां पर लिखेंगे मी डॉट फर्स्ट वैल्यू था ना, फर्स्ट वैल्यू था शायद FIRST फर्स्ट
वैल्यू ये रहा, तो मी डॉट फर्स्ट वैल्यू हो गया, और क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो ये स्टार वाला सिंबल लग जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर लिखेंगे मी डॉट सेकंड, सेकंड वैल्यू के लिए सेकंड वैल्यू, तो ये सेकंड वैल्यू है हमारा, तो ये हो गया। अब इसको सेव करने की जरूरत है, तो यहां से इसे सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद अब आपको इसको मिनिमाइज कर लेना है, और यहां पर आ जाइए। अब जरा ये मल्टीप्लाई पे क्लिक कीजिए और इक्वल टू पे क्लिक कीजिए, ये लीजिए, ये आपका आंसर आपके सामने है। यानी आप मल्टीप्लाई भी कर सकेंगे, एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, 7 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आता या नहीं। तो ये 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू पे क्लिक किया, लीजिए 49 आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 7 को नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 6.55 को 7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो लीजिए ये मल्टीप्लाई किया और ये इक्वल टू, लीजिए आंसर आ गया 45.85। तो ये बहुत ही कमाल का कैलकुलेटर एक तरीके से बना सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो में सारी चीजों को, स्क्वायर रूट को कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ये एक ही बार में सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो अलग अलग चल रहा है, एक ही बार में भी सिखाऊंगा आपको कि ये कैसे होना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड नेक्सस सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।